बिहार पंचायत चुनाव की तैयारी जोरों पर है। जैसे जैसे पंचायत चुनाव 2021 नजदीक आ रहा है, वैसे ही वैसे चुनाव के नियमों में कई फेरबदल देखने को मिल रहे हैं। बिहार राज्य चुनाव आयोग ने ये निर्देश जारी किया है, जिसमें ये स्पष्ट किया गया है कि कौन कौन से लोग बिहार पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते, साथ ही कौन कौन से लोग प्रत्याशी के प्रस्तावक नहीं हो सकते। बिहार राज्य चुनाव आयोग के अनुसार केंद्र या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकार से पूर्णतः या आंशिक वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले शैक्षणिक गैर शैक्षणिक संस्थाओं में कार्यरत प्रतिनियुक्त पदाधिकारी, शिक्षक, प्रोफेसर, शिक्षकेतर कर्मचारी बिहार पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। आसान भाषा में कहें तो भारत सरकार या बिहार सरकार में जो नौकरी कर रहे हों, फिर चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट पर ही बहाल क्यों न हुए हों, जैसे पंचायत के अधीन मानदेय अनुबंध पर कार्यरत पंचायत शिक्षा मित्र, न्याय मित्र, विकास मित्र जैसे कर्मी, पंचायत के अंतर्गत मानदेय पर कार्यरत दलपति, आंगनवाड़ी सेविका, विशेष शिक्षा परियोजना, साक्षरता अभियान और विशेष शिक्षा केंद्रों में मानदेय पर कार्यरत अनुदेशक भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इसके अलावा सरकारी वकील, आसान से भाषा में जिसे जीपी कहा जाता है, लोक अभियोजक यानी पीपी, सहायक लोक अभियोजक यानी एपीपी भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इन सभी पदों पर काम करने वाले कर्मचारी भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। यही नियम प्रत्याशियों के प्रस्तावक के लिए भी लागू है। इन पदों पर होते हुए अगर कोई भी आदमी चुनाव के लिए नामांकन भरेंगे या उनके प्रस्तावक इन पदों पर होंगे, तो ऐसे प्रत्याशी का नामांकन भी रद्द कर दिया जाएगा। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि जो सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त हो चुके हैं, वो बिहार पंचायत चुनाव लड़ सकते हैं या नहीं। तो चलिए अब हम आपके इस सवाल और कंफ्यूजन का जवाब भी दे देते हैं। सेवानिवृत्त सरकारी सेवक, जन वितरण प्रणाली के लाइसेंस विक्रेता, कमीशन के आधार पर काम करने वाले एजेंट, अकार्यरत गृह रक्षक पंचायत चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा सहायक सरकारी वकील, एजीपी, अपर लोक अभियोजक जो केवल शुल्क पर नियुक्त किए जाते हैं, वह भी चुनाव लड़ सकते हैं। बिहार में पंचायत चुनाव मार्च और अप्रैल के बीच होना है। बिहार पंचायत चुनाव 2021 में यह ध्यान रखा जा रहा है कि चुनाव की निष्पक्षता पर कोई सवाल न खड़ा हो, जिस वजह से बिहार पंचायत चुनाव में पहली बार मल्टी पोस्ट ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें 700 मतदाताओं पर एक बूथ का गठन किया जाना है। राज्य भर में तकरीबन 1,20,000 से भी ज्यादा बूथ रहेगा। हाँ, आपको ये भी बता दें कि मुखिया सरपंच के घर से 100 मीटर की दूरी पर मतदान केंद्र नहीं रहेगा। अगर ऐसा होता है तो नियम का उल्लंघन करने वाले अधिकृत अधिकारी पर कार्रवाई हो जाएगी। साथ ही किसी व्यक्ति के निजी भवन या परिसर में बूथ नहीं बनेगा और किसी थाना, अस्पताल, डिस्पेंसरी, मंदिरों या धार्मिक महत्व के स्थानों पर भी बूथों का गठन नहीं किया जाएगा। बता दें कि बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव को लेकर सभी जिलों में बूथों के गठन का निर्देश दिया है। बिहार पंचायत चुनाव में पिछले चुनाव के मुकाबले कुछ नियम में बदलाव देखने को मिलेगा, लिहाजा बिहार पंचायत चुनाव 2021 दिलचस्प रहने वाला है।